महेंद्र सिंह धोनी को चलता कर दिया और मैं साला ठंडी जगह है, लेकिन चेन्नई ने अपनी बॉलिंग से आग लगा दी, गर्म कर दिया पूरी पिच को भाई। धीराना रूल आउट है, चेन्नई सुपर किंग्स को मसला हो सकता है, लेकिन ये देश पांडे ने वो मसला संभाल लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जो व्लॉग है वो है पंजाब किंग्स का वर्सेस CSK का, और CSK का जब मैच होता है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती हूं। आज तो ऐसा लग रहा है कि CSK है ही नहीं, पंजाब की बॉलिंग धर्मशाला के अंदर बर्फबारी की तरह बरस रही है मेरे भाई, ऐसी की तैसी कर दी है विकेट ले लेके। ना शिवम दुबे रुक पाया, ये मम्मा भी आ गई है, ना शिवम दुबे रुक पाया, ना रहाणे रुक पाया, ना ऋतुराज, ना मोइन अली, और अभी हालत ये आ गई है कि मिचेल सेटनर की बैटिंग आ गई है, क्योंकि थाला को ऊपर नहीं भेज सकते भाई, अभी काफी ओवर्स पड़े हुए हैं। हाँ। अभी आपके ओवर, लेकिन अभी जो बात है गायकवाड़ ने बहुत अच्छा खेल के गया है, उसके चौके और छक्के बहुत ही जबरदस्त है, अभी हमने देख ली। लेकिन अब खेल के अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा रुकना था ना। अरे आईपीएल का पहला मैच हो रहा है आई थिंक धर्मशाला के अंदर, आईपीएल का फर्स्ट मैच हो रहा है, और अभी आप देखो लास्ट ये वो हुआ था इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज थी। अब हाँ नहीं वो वही थी सीरीज, टेस्ट सीरीज इंग्लैंड की। अच्छा अभी सीन कुछ ऐसा है कि 13 ओवर हो चुके हैं, 103 रन है सेटनर को, अगर अब सेटनर आउट होता है तो थाला को भेजना मजबूरी बन जाएगी। लेकिन अगर कितना खूबसूरत व्यू है मम्मा देखें, तो व्यू है यार, आपको पता है वर्ल्ड कप का जो न्यूजीलैंड वाला मैच था, आपको वो याद है न्यूजीलैंड इंडिया का मैच वर्ल्ड कप वाला, जो फॉग की वजह से रोक भी दिया गया था, ठीक है, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच। तू हर मैच में हर स्टेडियम में ये बोलता फखर इसमें खेला, धर्मशाला में शायद खेला है भाई। एक आपस की बात बताऊं मैं आपको, अगर अभी यार CSK हारती है ना तो RCB वालों को बड़ा फायदा हो रहा है, और RCB से ज्यादा कल देगा अपने RCB कल ही चला जब कल माविया ने ब्लॉग नहीं बनाया और RCB कल ही जीती। अरे कल बॉलिंग में अच्छी हुई है भाई, कल सिराज ने भी विकेट लिए, पावर प्ले में विकेट, इसको मैं ले गई थी पिकनिक पे तो ये था नहीं, इस वजह से कल RCB जीती। मेरा दिमाग पूरा स्कोर में लगा हुआ था, मैं देख रहा था, और आप ये देखो कि थोड़ी सी ज्यादा जल्दी समझ आ रही थी, ये ना स्विमिंग करते हुए ना स्कोर देख रहा था, देखो RCB जीत रही। RCB को जल्दी थोड़ा समझ आ जाती ना, शुरू के मैचेस जीत जाते अगर तो भाई अच्छा हो जाता। खैर अभी जो CSK और RCB का मैच आएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए। मुझे पुनी जो वैसे तो 3-4 पे आ रहा था, अभी इस वजह से नहीं आया है क्योंकि ओवर्स बहुत बाकी हैं, और डेथ ओवर्स खेलने वाला है, लेकिन अब जो भी आउट होगा तो थाला की बैटिंग आई। सेटनर का भी विकेट आ गया है, छक्का मारने का ट्राई लिया था, और अब मुझे एक और चीज का डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि, क्योंकि जिस हिसाब की पंजाब बॉलिंग कर रहा है ना भाई, महेंद्र सिंह आज वाकई जान लगा रहा पंजाब। अरे यार आपको एक मिनट, अगर अभी ये अभी पिछले ही हफ्ते आमने सामने वापसी आए थे पंजाब, अभी तो आए थे, आपने कितने डोमिनेट किया था, महेंद्र सिंह धोनी तक कंफ्यूज हो रहे थे कि यार मैं एक ही छक्का मारा तो उन्होंने खाली और एक चौका मारा था भाई, क्या पागल वगैरह हो गए क्या, शार्दुल को भेज दिया। आज धोनी है भी या नहीं है धोनी, आपको पता नहीं यार, अभी मैंने देखा है उस पे स्कोर कार्ड पे कि येट टू बैट धोनी लिखा हुआ है, पता नहीं खेल भेज क्यों नहीं रहे भाई। बताओ अभी बीच में होने लग गया था कि बहुत ज्यादा स्कोर 200, 250, 250, ये फिर वही आगे शुरू वाली कहानी भाई, पिच की बात है, कंडीशन की बात है। अभी आप मैच करा दो वहां पर, चिन्नास्वामी में मैच करा दो, कल क्या हुआ चिन्नास्वामी में, कल RCB अगर पहले बैटिंग करता ना वो 210 230 के मूड से आया था मेरे भाई। बहुत ही जबरदस्त छक्का मैक्सिमम आ गया है भाई, सिक्सर आ गया जडेजा का, और अभी ये स्कोर जा रहा है अब आगे। अब ये देखो ये चेन्नई की ना, अगर आप बातें नोट करो, जब चेन्नई बैटिंग में थोड़ा फेल होता है ना, फिर वो कवर अप कर लेता है, उनके कोई दो बंदे एक बंदा ऐसा होता है जो कवर अप करना जानता है। 147 पे लिया है जडेजा ने, वापसी ट्राई लिया था लेकिन बॉल लगी नहीं बल्ले पे सही। तीन बॉले जाया करने के बाद शार्दुल ठाकुर आउट हो चुके हैं, ठीक है, और देखो ये टाइम होता है धोनी का 18.4 ओवर, 18.3 ओवर, 18.4। अब कितने मिलेंगे, अब आपको याद है थाला धर्मशाला के अंदर थाला की एंट्री हो चुकी है भाई, तुम आ जाए देख सकते हैं आपके राउंड को। व्हाट द हेल, ये क्या है, आउट हो गया, फर्स्ट बॉल पे महेंद्र सिंह धोनी को चलता कर दिया, और मैं यही बात कर रहा था अभी कि जिस हिसाब की पंजाब बॉलिंग कर रहा है वो ऐसा ना हो कि ये धोनी आउट हो जाए, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है, और हुआ भी बोल्ट है। साइलेंस इन द धर्मशाला स्टेडियम मेरे भाई, ओ हो 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 हो, धोनी के फैंस बोल रहे दिल में लगी है, दिल में ये बॉल, दिल में लगी है, बोल्ड बिल्कुल भाई, हर्षल सल्यूट है यार आपकी बॉल को, आपकी क्या डिलीवरी डाली है। अगर आज मावी धोनी आउट नहीं होता तो स्कोर अच्छा चल जाता है ना, गारंटी नहीं है क्योंकि देखो पंजाब IPL के अंदर बहुत खतरनाक बॉलिंग कर रहा है, पंजाब का यह चांस बनेगा क्या, और यकीन करो बिलीव नहीं हो रहा ये चीज देख के धोनी फर्स्ट बॉल पर, हमेशा से सुनने में आता था छक्का मारेंगे चौका मारेंगे, आज पंजाब ने कर दिया कि फर्स्ट बॉल पे उनको आउट कर दिया, जडेजा भी आउट हो गया था बॉल है, और ये कुछ नहीं हुआ आखिरी बॉल पे,
168 का विन दिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। आखिरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ जडेजा ने एक छक्का मारा और उसी ओवर में विकेट भी आई और पंजाब ने खतरनाक किस्म की यार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। 168 पे स्टॉप किया, मतलब कम स्कोर है, देख लो सीएसके जीतेगी नहीं। आज पहली उनके पास पथिराना नहीं है, ठीक है ना, उनके पास पहली पथिराना नहीं है, आज ये लोग आराम से जीत सकते पंजाब वाले अगर चाहे तो। भाई पथिराना के बारे में मुझे आपको एक बात बतानी थी, कौन है देश पांडे? नहीं नहीं बेयर स्ट्रो है। विकेट किसने लिए? देश पांडे ने ले ली फर्स्ट सेकंड ओवर में विकेट चले गए। खतरनाक किस्म का दिखा रहा, मैं अभी बता रहा था पथिराना रूल आउट है, चेन्नई सुपर किंग्स को मसला हो सकता है लेकिन ये देश पांडे ने वो मसला संभाल लिया। पथिराना पिछले मैच में भी नहीं था ना, और भाई जबरदस्त हो गया। और ये आप देखो हमारा बहुत बड़ा मतलब जलवा देखो अब हमारा, और देखो इस तरह से आउट हुआ, ये देखो बॉल कहां से इन स्विंग करके उसने आउट स्विंग काटी है ना, उसको पता भी नहीं लगा जॉनी बेयरस्टो को कहां से कहां बॉल कट गई। भाई मैं आखिरी बॉल पे विकेट लेके गए देश पांडे, रायली रोसो जो बड़ा खतरनाक, अच्छा लास्ट बॉल थी मामी सोवर की है, रायली रोसो जो बड़ा खतरनाक बंदा है, ठीक है वो देखो देखते हैं कैसे जा रहे हैं लोग इसको टीम में क्यों नहीं ले रहे टी20 वर्ल्ड कप देश पांडे को। देश पांडे यार इंडिया का थोड़ी ना, देश पांडे इंडिया का, देश पांडे कंफर्म नहीं इंडिया का है मुझे यार, जो भी है यार उसने विकेट कितनी अच्छी ली आप ये देखो, एक ओवर दोनों मतलब दोनों जहाँ से लग रहा था चेन्नई सुपर किंग्स ऊपर से चेन्नई सुपर किंग्स डायरेक्ट यार, और ये नहीं हुआ कैच वैच में भी उसने दोनों बोल्ड किए आप ये देखो, ओवर में दो झटके पंजाब किंग्स को। भाई बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है सीएसके को, एक और नितेश गया, नितेश का भाई खत्म ही सीन लग रहा है मुझे पंजाब का, मैच खत्म कर दो भाई इस तरह से हुआ, देखो आउट रिप्ले दिखा करेगा केला इतने सारे और क्या कैच पकड़ा है यार, वीआईपी किस्म की बॉल और बहुत ही कोई खतरनाक किस्म का विकेट निकाला है भाई, ये 5 विकेट हो चुकी है पंजाब की और आप देखो इतना कम टारगेट दिया है चेन्नई ने और उस पे ये डिफेंड कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ये होती है भाई बॉलिंग। पथिराना की कमी महसूस होने नहीं दे रहे भाई चेन्नई वाले, आज खत्म कर दिया जडेजा की बॉलिंग फायर पर चल रही है भाई, आग लगा दी पिच पे गया मतलब आज के बॉलर्स धर्मशाला वैसे ठंडी नहीं है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मामे बैटर्स पिच थी नहीं, ये थी बॉलिंग पिच, पंजाब ने भी अच्छी बॉलिंग करी है लेकिन जिस हिसाब की डोमिनेट सीएसके ने की है, सीएसके कर रही है यार, आपने देखा नहीं देश पांडे ने किस तरह से शुरू किया, मतलब जब से यही देख रहे विकटे मतलब कुछ हो तो सही ना। और भाई वैसे धर्मशाला ठंडी जगह है लेकिन चेन्नई ने अपनी बॉलिंग से आग लगा दी, गर्म कर दिया पूरी पिच को भाई। और भाई अभी 6 बॉलों पे 36 रन चाहिए, इसका मतलब है पंजाब को जीतने के लिए 6 छक्के चाहिए और एक बॉल मिस हो चुकी है तो इसका मतलब ये चेन्नई बहुत ही आसानी से ये मैच जीत चुका है और लेकिन अपनी बॉलिंग से जीता है, बॉलिंग आज बहुत ही जबरदस्त, बैटिंग तो सबने देखा कैसी हुई है, ठीक है ना, बॉलिंग बैटिंग देख के ऐसा लग रहा था अपना सीएसके हार जाएगा, उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी बहुत करी और चेन्नई ये मैच जीत गया। और अभी थोड़ी देर के बाद केकेआर का और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच है, वो भी उसका भी ब्लॉग आएगा, उसका भी ब्लॉग लाजमी देखिए।